हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज के टेस्ट में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैं भी टास्क कवर करना है। और कल आप लोगों को टास्क नहीं दिया गया था कल, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे था, कल स्वतंत्रता दिवस था और आप लोगों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। कल कल आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कल हमने जब क्लास भी लिया था शाम को, तो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन पहले ही दे दिए थे कि बस जो लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ वही लोग क्लास को ज्वाइन करें, आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कल स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपको बाध्य किया जाए कि आपको आकर के क्लास करना ही करना है, तो इस वजह से। तो चलिए आज आपको क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आज आपको 16 अगस्त देखने को मिलेगी और आज आपको यहाँ पर आपकी तैयारी का 34वां दिन देखने को मिलेगा। आज आपको देखिए नया टास्क यहाँ पर दिया जा रहा है, टास्क नंबर 12। तो देखिए आज आपको यहाँ पर देखिए जैसे ही नई एनसीईआरटी हम पढ़ने के लिए देते हैं तो यहाँ पर टास्क बदल जाते हैं। यानी कि आज आपको ये 12वीं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दी जा रही है, क्योंकि कुछ ज्योग्राफी की थी और कुछ अब हिस्ट्री की चल रही है। ओके, तो देखिए आज आपको हिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, यानी कि 10वीं क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसका नाम है इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 के नाम से आपको देखने को मिलेगी, भाग 2 के नाम से आपको देखने को मिलेगी। इसका आपको सिर्फ जो सेक्शन 1 है, सेक्शन के लिए हिंदी में अगर आप लोग एनसीईआरटी लिए होंगे उसमें इकाई लिखा होगा, इकाई 1 को आपको सिर्फ रीड करना है। जैसे आप एक नोवेल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, की स्टोरी पढ़ते हैं, तो की स्टोरी की तरह आपको इसको पढ़ना है, आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर जो सेक्शन 1 है इसमें आपको 3 अध्याय यानी कि 3 चैप्टर या 3 लेसन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो लेसन 1, 2, 3 इन 3 ही लेसन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, केवल स्टोरी की तरह। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर एक रिवीजन भी दिया जा रहा है। तो देखिए आपको टास्क नंबर 3 का आधा रिवीजन करना है। टास्क नंबर 3 में हम क्या दिए थे, तो आप लोग लिखे होंगे जब हमने कहा था कि स्टार्टिंग पे आपको सभी टास्क लिखने हैं, क्योंकि हम रिवीजन देंगे तो हम इसी तरह से रिवीजन दिया करेंगे। तो टास्क नंबर 3 में हम आपको बता देते हैं, जिन लोगों ने नहीं लिखा होगा, तो टास्क नंबर 3 में हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8th की आपको दिए थे। तो 8th क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के आप लोगों ने नोट्स बनाए थे वो आपको आधी रिवाइज करनी है, आधी कल आप लोगों को रिवाइज करने के लिए दी जाएगी। और इसके अलावा कुछ मैपिंग टास्क भी आप लोगों के लिए दिए थे। इसके अलावा देखिए आज का जो भी एडिटोरियल होगा न्यूज़पेपर का वो आपको पढ़ना है। ओके, आप इंग्लिश में पढ़ते तो एडिटोरियल देखने को मिलेगा, हिंदी में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर तो आपको हिंदी के न्यूज़पेपर में लेख के नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी न्यूज़पेपर में आएगा उसे सिर्फ रीड करना है, उसके भी नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मैपिंग टास्क में आज आपको क्या कवर करना है। तो एशिया की कुछ फिजिकल लोकेशन यहाँ पर दे रखी है, उन्हीं को आपको यहाँ पर कवर करना है। तो कुछ आपको माउंटेन रेंजेस हम लास्ट टास्क में आपको दिए थे, तो आज भी आपको कुछ माउंटेन रेंजेस आगे की दी जा रही हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर तुरन माउंटेन देखने को मिलेगा, जो कि तुर्की में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये यह तुर्की है ना, तो हम आपको कुछ लोकेशन थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप अपने एटलस में हम बता देते हैं, फिर भी उसके बाद भी आपको अपने एटलस में खोजना है, एक बार देखना है। ये आपको क्यों दी जा रही है, इसलिए दी जा रही है कि बार बार आप एटलस देखें और आपको पता चले कि ये लोकेशन कहाँ पर है, वरना हम एक साथ में आपको 150-200 लोकेशन देते क्यों नहीं देते। आपको हैबिट में आपके आ जाएगा 3-4 महीनों के अंदर की डेली 10-15 मिनट आप एटलस देखने लगेंगे। ऐसा कभी मत गलती कीजिएगा कि आप एक ही साथ में बोले कि हम सारी लोकेशन है वो एक ही साथ में एक महीने की एक ही दिन में बैठ करके कवर कर लेंगे, नहीं। आपको हैबिट डालना है कि डेली 10-15 मिनट एटलस देखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक तुरन माउंटेन देखने को मिलेगा, तुरन माउंटेन ये तुर्की में आपको देखिए इस तरह से देखने को मिलेगा। और आपको फिर बाद में ब्लैक मैप ले लीजिए या फिर आप लोग हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आपको लोकेट करना है। दूसरा आपको देखिए यहाँ पर कोकेकस माउंटेन देखने को मिलेगा। तो देखिए या तो हम पहले भी देख चुके हैं, कई बार इसको हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। फिर देखिए एल्ब्रूज माउंटेन, तो ये कैस्पियन सी है, इसके एकदम नॉर्थ में यहाँ पर आपको एल्ब्रूज माउंटेन देखने को मिलेगा। फिर आपको जैगरोस देखने को मिलेगा। देखिए जैगरोस हम पहले भी देख चुके हैं एक बार ईरान में, आपको यहाँ पर इस तरह से जैगरोस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखिए यहाँ पर किथर आपको देखने को मिलेगा, हाँ ये पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में आप थोड़ा सा साउथ में आएंगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगा। फिर आप लोग देखिए यहाँ पर सुलेमान रेंज देखने को मिलेगी। सुलेमान रेंज कहाँ पर है, जहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। आप फिजिकल मैप में खोजिएगा, पॉलिटिकल मैप में मत खोजिएगा, वरना आपको नहीं मिलेगी। ओके, फिर आपको देखिए हिंदू कश आपको देखने को मिलेगा। देखिए हिंदू कुश रेंज कहाँ पर है, एकदम आप लोग जो जम्मू कश्मीर है ना वो उसके ऊपर आप लोग देखिएगा। ओके, तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पर पामीर की संधि आपको देखने को मिलेगी उसके जस्ट नीचे। फिर आप देखिए यहाँ पर पामीर की संधि है, फिर इसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर इस तरह से पामीर की संधि देखने को मिलेगी। फिर आपको तेन शान देखने को मिलेगा, देखिए तेन शान यहाँ पर कुछ तीन सैन इस तरह से देखने को मिलेगा।
और देखिए फिर काराकोरम रेंज है ये आपको नीचे देखने को मिलेगी। देखिए जो अभी हम यहाँ पर पढ़ाए थे हिंदू कुश ना, तो हिंदू कुश के आप लोग थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे तो आपको यहाँ पर काराकोरम रेंज देखने को मिल जाएगी। काराकोरम रेंज है ना, काराकोरम रेंज है ट्रांस हिमालय की, आपको एक रेंज देखने को मिलेगी। हम आपको बताएंगे ट्रांस हिमालय है उसकी कौन कौन सी रेंजेस हैं, वो बाद में आपको पढ़ाई जाएंगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा काराकोरम रेंज है वो कहाँ पर पड़ती है, सब उसकी लोकेशन हम बताएंगे। ओके, फिर उसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुल्लून शान, आपको देखने को मिलेगा। देखिए कुल्लून शान है वो कहाँ पर है, तो देखिए जैसे ये तिब्बत का पठार है ना, और इधर आपको देखिए काराकोरम रेंज है, थोड़ा सा और इधर जाएंगे तो इनके बीच में देखिए एक जहां पर तिब्बत का पठार है ना उसके एकदम आप लोग नॉर्थ में देखिए जाए, तिब्बत का पठार बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी ये रेंज है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हिंदू कुश आपको, वो सॉरी हिंदू कुश नहीं, कुल्लून शान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कुल्लून शान के बाद में आप इस तरह से और थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक रेंज आपको देखने को मिलेगी जिसको एल्तून शान बोलते हैं। ओके, समझ गए आप लोग सारी लोकेशन, इस तरह से आप सारी लोकेशन आराम से खोज लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिवाइज करिएगा, आपको सारी की सारी लोकेशन बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। ओके, और जो लोग हमारे क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आपको सारी एनसीईआरटी इसी तरह से डेली टास्क के रूप में दी जाती है, टास्क आपको सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली मिल जाता है, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 3 बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लॉन्च भी किए हैं, इनकी टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, एक क्लास आपकी 3 बजे लाइव क्लास चलती है और एक 6 बजे आपकी शाम को लाइव क्लास चलती है। इसके अलावा आपको एक जो करंट अफेयर की क्लास है वो शिवम सर के द्वारा दी जाती है, ये रिकॉर्डेड क्लास होती है, ये दोनों लाइव क्लास होती है। ओके, और इसके अलावा संडे को आप लोगों का विजन का टेस्ट है वो भी सॉल्व कराया जाता है, डाउट क्लियरेंस सेशन भी चलते हैं, और मॉर्निंग में 8 बजे जैसा कि आपको टास्क ऑफ द डे आपको डेली मिलता है। ये देखिए अपने चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर सभी प्लेलिस्ट है वो हमने सेपरेट बना दी है। ये देखिए जैसे आईएएस की देखने को मिलेगी, ये यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, टैक्स ऑफ द डे, करंट अफेयर की, इस तरह से आपको सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। ओके, एकदम आपको परेशानी नहीं होगी, यहाँ पर हमने विस्तृत जानकारी दी है कि आपकी कितनी क्लासेस कौन से सब्जेक्ट पे चलेगी, मैं साइड से हट जाता हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और हाँ और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप सभी लोगों के आई कार्ड बन गए हैं, जिन लोगों ने 15 अगस्त तक जिन लोगों ने अपने फॉर्म फिल कर दिए थे उन सभी के आई कार्ड बन गए, तो देखिए बॉयज के हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनके नाम हम इसमें डालना भूल गए हैं क्योंकि हमने 1.5 महीने से इसमें अपडेट नहीं किया है, क्योंकि सब हमें मैनुअली टाइप करना पड़ता है, तो इस वजह से। तो ये देखिए गर्ल्स के हैं, अगर इसमें नाम है तो आपका बन गया है, और आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया है 15 अगस्त से पहले पहले तो भी आपका बन गया है। ओके, तो आप लोग एक हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए सिर्फ, और जैसे ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपका आई कार्ड मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको एक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया गया है, आप लोग वहां पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार दिखा